नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। चुनाव आते ही सभी दल चुनाव प्रचार में जुट गए हैं, वोटरों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे सहयोगी विजय राठौर ने बदायूं की दातागंज सीट को लेकर जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश की कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है, इस बार जनता किसका साथ देने वाली है। आप भी सुनिए क्या है जनता की राय। चलते चलते एक बार दातागंज नगर के में प्रवेश किया है और दातागंज नगर में देखेंगे कि व्यापारी वर्ग जो है किस तरफ है। 117 विधानसभा की जो हवा किस तरह पिछला दिखा ना सकता हूँ कि ये जो मार्केट है टोटल व्यापारी वर्ग की है और यहाँ पर जो है 117 विधानसभा में व्यापारी वर्ग की क्या राय है। हमारे साथ कुछ भैया हैं, जानना चाहूँगा नाम क्या है भैया। मोंटी गुप्ता। अच्छा, क्या लग रहा है 117 विधानसभा में हवा किस तरफ है? इस बार भाजपा की ही लहर है। इससे पहले भाजपा विधायक राजीव कुमार सिंह बब्बू भैया रहे हैं यहाँ पे, 5 वर्ष में उनके द्वारा क्या क्या कार्य? उनके द्वारा बहुत से कार्य हुए थे, नगरिया पुल बना था, एक बिजली वो बना था, एक फायर स्टेशन बना है, एक पीएसी बटालियन बनी है, काफ़ी निर्माण कार्य हुए हैं जो अभी तक किसी विधायक ने नहीं कराए। अच्छा, वो राजीव सिंह ने कराए। हमारे साथ भैया और भी यहाँ पे हैं, व्यापारी हैं, तो जानना चाहेंगे कि अगर व्यापारी वर्ग एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ग रहता है और जिस तरफ व्यापारी कमर कस लेता है कि सरकार किसकी बनानी है, तो भाजपा सरकार में व्यापारियों को क्या क्या लाभ मिले और सरकार जो है किसकी बना रहे हैं? सभी सुविधाएं मिली हैं और सभी भाजपा के साथ हैं। तो यहाँ 117 विधानसभा में किसकी सरकार बनवा रहे हैं? भाजपा की बनेगी सरकार, बब्बू भैया यही हैं प्रत्याशी यहाँ के। बहुत बढ़िया। और मेरे साथ और भी भैया हैं, देखना चाहूँगा पीछे जो दुकानें हैं उनसे भी मैं बात करना चाहूँगा कि किस जी भैया। अरे एक बड़ा सवाल है दातागंज विधानसभा से कि व्यापारी वर्ग जिस तरफ मुख कर जाता है उस तरफ सरकारें और सत्ताएं पलट जाती हैं। अब देखना ये होगा कि 117 विधानसभा में व्यापारी वर्ग किधर है। दादा क्या लगता है 117 विधानसभा में किस तरफ हवा जा रही है? भारतीय जनता पार्टी हर जगह जीत रही है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की। तो प्रदेश में क्या है, प्रदेश में किसकी सरकार ला रहे हैं? भाजपा की सरकार आएगी, निश्चित आएगी। यहाँ पर 5 वर्ष में विधायक रहे राजीव कुमार सिंह, तो उनके द्वारा क्या व्यापारी वर्ग को कुछ फायदा हो पाया है? बिल्कुल फायदा हुआ है व्यापारी वर्ग को और बहुत उन्होंने विकास कार्य किए हैं जो आज तक किसी विधायक ने नहीं किए दातागंज में, जो 20 साल में काम नहीं हुआ। कोई दो कार्य ऐसे बता दीजिए जो विधानसभा में नहीं, पहले से नहीं हुए थे और जो है दातागंज विधानसभा में राजीव सिंह के आने के बाद हुए। नगरिया पुल बना है, महिला बटालियन बनी है, बिजली घर का एक प्लांट लगवाया गया है, वो भी बहुत मतलब महत्वपूर्ण बात है, बहुत विकास कार्य हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बात व्यापारी वर्ग की आती है तो बिल्कुल भाजपा के लिए जो है सपोर्टेड है और भाजपा की एक बार जो है फिर से सरकार बनाने की। देखिए मेरे साथ युवा भी हैं, तो युवा वर्ग व्यापारी वर्ग के साथ साथ युवाओं की क्या सोच है? राजीव भैया आएंगे, बब्बू भैया। तो बब्बू भैया ने क्या युवाओं के लिए क्या सोच रखा है? क्योंकि देखिए बड़ा मुद्दा है महंगाई और बेरोजगारी, तो युवा वर्ग के लिए ये दोनों चीज़ें जो है कहीं ना कहीं दुखदायी होती हैं। तो क्या लगता है कि इस बार मुद्दा क्या रहने वाला है, महंगाई रहेगी या बेरोजगारी? मुद्दा यहाँ तो वही हिंदू मुसलमान वाला चल रहा है फिलहाल में मुद्दा, और महंगाई वाला मुद्दा ऐसा है बब्बू सही है, ये बहुत बड़ी विधायक है आपकी। एक बार फिर जो है व्यापारी वर्ग को भी खंगाला जाए कि व्यापारी वर्ग किस तरफ अपनी सोच रखता है। अब मेरे साथ भैया हैं, मैं जानना चाहूँगा कि 2022 अभी 14 फरवरी को मतदान होना है, तो किसकी सरकार बनवा रहे हैं? सरकार योगी आदित्यनाथ जी की बनवा रहे हैं। ये देश का सौभाग्य है जो पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ जैसे हमारे लिए दो दो नेता मिले। विश्व में भारत की छवि लाचारगी बेचारगी की गरीबी की थी, आज कोई ये नहीं कह सकता भारत लाचार है, भारत पे कोई कर्जा नहीं है। नरेंद्र मोदी की शासनकाल में भ्रष्टाचार नाम की चीज़ नहीं है, कांग्रेस के शासन में देश के 70 सालों में भ्रष्टाचार देश को लुटाई इतनी हुई जिसके जवाब नहीं। लेकिन आज वो स्थिति पैदा हो गई है कि मैं कह रहा हूँ हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है ये अवतारी पुरुष मिले हैं। पाकिस्तान को कोई कभी गरीब नहीं कर सका, लेकिन नरेंद्र मोदी जब से आए पाकिस्तान को बगैर लड़े गरीब बना दिया। क्योंकि अगर बात बात रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान की कमाई का एक ही जरिया था नकली करेंसी छापो भारत में घुसेड़ दो, लेकिन नरेंद्र मोदी ने वो भी सब खत्म कर दी। और ये जो विपक्षी लोग चीख रहे हैं इनकी दुकानें बंद करा दी उस व्यक्ति ने, ऐसा सीएम ऐसा पीएम ना आया ना कभी होगा। मैं तो कहूँगा 1000 साल की इनकी उम्र हो जिससे हमारे देश के सौभाग्य खुलता ही चला जाए। अगर बात 117 विधानसभा दातागंज की जाए तो यहाँ पर एक 2017 में राजीव सिंह और बब्बू भैया चुन करके आए, तो क्या लगता है इस बार हवा किस तरफ है,
क्या भाजपा की सरकार यहाँ पर बन पाएगी या फिर कहीं दूसरा चेहरा बदल के आएगा, या ये दातागंज विधानसभा का एक इतिहास भी रहा कि जो भी यहाँ पर आया है उसने अपने आप को दोहराया है, तो क्या राजीव सिंह इस बार दोबारा जीत पाएंगे? आप दोहराने की बात कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ राजीव कुमार बब्बू भैया जैसा विधायक हमेशा होता रहे, उसके एक कारण भी है, मेरी उम्र 60 प्लस हो चुकी है, मैंने कई विधायकों को होते बनते बिगड़ते देखा है, लेकिन देश क्षेत्र का विकास ऐसा किसी ने नहीं किया आज तक। बब्बू भैया ने क्षेत्र में विकास के अलावा और कुछ उनको धुनी सवाल नहीं है, और जो भी वादी प्रतिवादी आते हैं, वकील साहब विनय कुमार सिंह उनके भैया, आप जैसे तुरंत निस्तारण कर देते हैं, किसी जनता को तक तकलीफ नहीं हुई, और देश हमारे क्षेत्र में इतना विकास बब्बू भैया के अलावा किसी ने किया ही नहीं है। आप दो बार की बात कर रहे हैं, हजार बार आएंगे। अच्छा, क्या लगता है कि जैसे उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो भाजपा का एक बड़ा कुनबा स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा मंत्री होते हुए कई बड़े कुनबे को जो है सपा की तरफ ले गए हैं, तो क्या लग रहा है कि सपा भाजपा को बड़ा नुकसान होगा? देखिए महोदय, वो दिन गुजर गए जब टीवी और अखबार में वही खबरें छपती थी जो भ्रष्टाचारी छापते थे, सोशल मीडिया ने घर घर में मतदाता जागरूक कर दिया, ये स्वामी प्रसाद मौर्य जो भी ये सब समझते हैं, बेटे को टिकट नहीं मिला तो भाग गए, अब सभा में कोई पूछ नहीं हो तो फिर इधर के गुणगाने लगे, ये दलबदलू नेता जो है दलदल में पड़े हैं, दलदल में ही पड़े रहेंगे, क्या इनकी बात करते हो आप? ये कुछ नहीं है, सोशल मीडिया ने लोगों को जागरूक बना दिया, एक इधर खबर हुई इधर आ गई, ये स्वामी प्रसाद मौर्य वगैरह कुछ नहीं कर पाएंगे, जो सरकार चल रही है वो ही चलती रहेगी, आप देख लेना इस बात को। देखना ये भी होगा कि कहीं ना कहीं भाजपा को छोड़ करके एक बड़ा कुनबा जो है सपा में शामिल हुआ था, मगर व्यापारी वर्ग की अगर देखा जाए तो कोई नुकसान भाजपा को नहीं होता दिख रहा है। हमारे साथ और भी भैया हैं, क्या लग रहा है कि भाजपा सरकार दोबारा से उत्तर प्रदेश में रिपीट बिल्कुल आएगी? बिल्कुल आएगी, इसमें कोई वो नहीं है, अच्छे काम किए, बिल्कुल रिपीट करेगी। और 117 दातागंज की अगर बात की जाए तो यहाँ पर क्या लग रहा है, किस तरफ हवा का रुख किस तरफ है? हवा है ही नहीं, एक तरफ ही हो गया चुनाव, पूरा चुनाव में माननीय विधायक जी ही सफल होंगे, और आप वोटों की गिनती देखनी कितनी ज़्यादा होगी, लेकिन रिकॉर्ड मतों से वो ही विजय होंगे। अच्छा, बात 117 की अगर की जाती है तो यहाँ पर जो है 3000 करोड़ के काम निकल के आते हैं कि एक राजीव सिंह ने करा दिए, तो उनमें 3000 के काम कैसे कैसे हैं, कौन कौन सी जगह? एक तो आपका महिला वो है बटालियन है सहजनी, और एक सीएनजी प्लांट है सहजनी में ही, और काजीखेड़ा में एक ये लगाया है उसका सौर ऊर्जा प्लांट जो यूपी का दूसरे नंबर का प्लांट है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हाथरस दौरे पर रहे, उन्होंने वहां अग्रवाल सेवा सदन में प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में भाग लिया और हाथरस सीट से पार्टी की प्रत्याशी अंजुला माहौर के लिए डोर टू डोर वोट भी मांगे। इस दौरान सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उनके निशाने पर रहे। नड्डा ने अखिलेश पर तरह तरह के तंज कसे। यूपी के चुनाव में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने के वादे को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सपना बताया। उन्होंने कहा कि हमारे राज्य में यूपी में विकास का नया रास्ता बना है, इनके राज्य में बिजली आती ही नहीं थी, जब बिजली आती ही नहीं थी तो ऐसे में मुफ्त बिजली देने का वादा सपना ही है। उन्होंने ये भी कहा कि योगी जी के राज्य में यूपी में लोगों को 24 घंटे बिजली मिल रही है। उत्तरकाशी के गंगोत्री क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विजयपाल सजवार ने टकनौर क्षेत्र के कई गांवों में जनसंपर्क किया। उन्होंने तिहार, कुंजन, संगलाई, क्यार्क, बंदराणी, क्यार्क में जनसंपर्क कर कांग्रेस के पक्ष में मतदान की अपील की। इस दौरान ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत कर पूर्ण समर्थन की बात कही। यहां ग्रामीणों को संबोधित कर पूर्व विधायक ने कहा कि टकनौर क्षेत्र से मेरा भावनात्मक रिश्ता रहा है, पिछली सरकार में विषम परिस्थितियों में जो भी दायित्व आपके सबके आशीर्वाद से मिला उन पर खरा उतरने का मेरी तारीफ से भरसक प्रयास किया जा रहा है। गोंडा के रानीपुर पहाड़ी के पास श्रद्धालुओं से भरी गाड़ी पलटने से 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। गाड़ी के नियंत्रित होकर गड्ढे में गिरने से यह हादसा हुआ जिसमें 15 लोग घायल हो गए।
घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर कुछ घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें इलाज के लिए अयोध्या ले जाया गया। बता दें कि स्नान के लिए श्रद्धालु प्रयागराज जा रहे थे, तभी श्रद्धालु बहराइच के गंगवाल के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जनपद गोंडा के थाना तरफगंज क्षेत्र में रात्रि करीब 11:30 बजे एक पिकअप गाड़ी जिसमें करीब 40-45 लोग बच्चे बूढ़े जवान सवार थे, ड्राइवर की लापरवाही से आइडेंटिस होकर दुर्जनपुर घाट के पास एक पानी से भरे गड्ढे में पलट गई, जिसमें 4 लोगों की मौके पर मृत्यु हो गई तथा अन्य 20-25 लोग घायल हुए, जिनमें 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जिन सभी को पुलिस द्वारा मौके पर तुरंत पहुंचकर काफ़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू करके बाहर निकालकर अस्पताल इलाज के लिए भिजवाया गया है। प्रदेश के चर्चित विधानसभाओं में से एक श्रीनगर विधानसभा सीट पर प्रत्याशियों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। प्रत्याशी एक दूसरे को आड़े हाथों ले रहे हैं, जहां बीजेपी से प्रत्याशी कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कांग्रेस पर जुबानी हमला करते हुए ये कहा कि कांग्रेस शासन में भ्रष्टाचार व्याप्त था। कांग्रेस ने बीते 15 सालों में ना तो मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाई, ना ही कहीं दिखाई दिए, और अब चुनाव के समय में कांग्रेस से शराब बांटने का काम कर रही है। तो वहीं कांग्रेस से प्रत्याशी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने डॉक्टर धन सिंह रावत पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी को हार का डर सता रहा है, इसलिए वो इस तरह के बयानबाजी कर रही है। पूरे देश को लूटने का काम कांग्रेस ने किया है, देश में भ्रष्टाचार कांग्रेस ने किए हैं, और जुमलों के अलावा कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। और मैं कह सकता हूँ कि अब कांग्रेस जो है दारू पिलाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी विकास की है और विकास करते रहे। मुझे लगता है कि उनको हार का डर सता रहा है, और मैंने तो ये सुना कि भाजपा में पहले पन्ना प्रमुख बना करते थे और इस बार के चुनाव में वो पौवा प्रमुख बना रहे हैं, मैंने तो ये सुना। तो धन सिंह रावत जी, शायद उनको सपने में भी रात को अपनी तस्वीर और अपने कर्म नज़र आते हैं कि जो आरोप वो लगा रहे हैं। मैंने तो ये सुना कि 2 महीने पहले से उन्होंने सब तैयारियाँ कर रखी हैं, तो आरोप लगाने से कुछ नहीं होता, उनको इस बात के लिए प्रमाण देने होंगे और धन सिंह रावत जी की हार सुनिश्चित है। ऊधम सिंह नगर की कीछुआ विधानसभा में नैनीताल लोकसभा के सांसद और केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट पार्टी से रूठो को मनाने पहुंचे। कीछुआ विधानसभा में टिकट न मिलने से नाराज सांसद प्रतिनिधि विपिन जलहोत्रा के आवास पर पहुंचकर केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने जलहोत्रा की नाराजगी को दूर करते हुए आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत से जीत दिलाने की बात कही। इस दौरान केंद्रीय मंत्री भट्ट ने बीजेपी प्रत्याशी राजेश शुक्ला और विपिन जलहोत्रा के साथ कमरे में बात की, जिसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि विपिन मेरे प्रतिनिधि के साथ साथ छोटा भाई भी है, परिवार में नाराजगी होती है जिसे दूर कर लिया गया है। सारे लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं। पिछले भी बार हम काफी बहुमत से जीते, चाहे किच्छा हो, चाहे रुद्रपुर हो, या फिर इस जिले की जितनी भी सीटें हों या मेरे संसदीय क्षेत्र की जितनी भी हों, तो आपने देखा कि कितना भारी प्रचंड बहुमत मिला है, उसमें कहीं से कहीं कोई कमी नहीं होने वाली है। सब एकजुट होकर काम कर रहे हैं। हमारे माननीय शुक्ला जी बैठे हैं, आप देख रहे हैं, माननीय विपिन जी हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों हलचल दिखाई दे रही है। बरेली में दूसरे चरण में मतदान होना है, ऐसे में क्षेत्र के जनता के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। 122 विधानसभा की जो सुरक्षित सीट है, इस सीट पर कई दिग्गज प्रत्याशी मैदान में हैं। हमारे सहयोगी सोनू अंसारी ने लोगों से जानना चाहा कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है, इस बार वो किस पार्टी का साथ देंगे। आप भी सुनिए आखिर जनता के मन में क्या है। 2022 के चुनाव का आगाज हो चुका है, ऐसे में बरेली में दूसरे चरण में मतदान होना है, तो सपा के जो उम्मीदवार हैं वो लाल लश्कर के साथ इस समय अपनी जीत को लेकर कहीं ना कहीं नेताओं के साथ मंथन कर रहे हैं। लगातार एक से एक धुरंधर जो है
पिच पर उतरकर बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। उसी में से एक हमारे सामने है 122 विधानसभा के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विजय पाल सिंह। उनसे हम सीधे तौर पर बात करेंगे कि 122 विधानसभा में क्या है इस बार हाल, और जो उनके जो पिछले कार्यकाल में जो भी काम रह गए थे उनको किस तरीके से पूरा किया जाएगा, और साथ ही साथ उनके नए एजेंडे क्या है। विधायक जी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या जो इस आपके थीम्स है, किस तरीके से चुनाव लड़ रहे हो और क्या एजेंडा रहेगा? एजेंडा तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषित कर ही दिया है, और वो एजेंडा जो है जन कल्याणी है, जनता के हित में है। और भारतीय जनता पार्टी इस 5 साल के कार्यकाल में कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो जनता के बीच में कह सकें जाके। और हम लोगों की प्राथमिकता रहेगी कि गाँव का और किसान का विकास होना चाहिए, गरीबों का विकास होना चाहिए, क्योंकि सरकार में महंगाई इतनी हो गई है कि हर व्यक्ति के गांव के लोगों के लिए 2 टाइम की रोटी का इंतजाम करना बड़ा मुश्किल हो गया है। गैस सिलेंडर महंगा कर दिया, 3,500 कर दिया, सरसों का तेल 100 था 200 रुपये कर दिया है, और हर चीज़ महंगी हो गई है। यानी जो जानवरों का भूसा है वो 14 रुपये किलो बिक रहा है, चोकर जो था 700 रुपये कट्टा 750 का वो 1200-1250 को मिल रहा है, दूध का रेट 30 रुपये है मात्र, और पानी जो है 750 ग्राम 30 रुपये का मिलता है। दूध का स्तर इस गवर्नमेंट ने गिरा दिया है, महंगाई की खातिर लोग कम दूध के जानवर हैं उनको जंगल में छोड़ के आ रहे हैं, उसके लिए किसानों को झेलना पड़ रहा है। फरीदपुर में एक लंबे समय से डिग्री कॉलेज की मांग रही है छात्रों के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ एक ही कॉलेज है डिग्री कॉलेज, और बाकी 4 जिलों के यहाँ आसपास आते हैं, तो उनके लिए डिग्री कॉलेज के लिए छात्रों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, फरीदपुर में डिग्री कॉलेज है एक, लेकिन उसका बहुत छोटा स्तर है। हमारी सरकार बनने जा रही है और फरीदपुर में और भुता क्षेत्र में 2 डिग्री कॉलेज कम से कम बनवाने का काम किया जाएगा, जिसमें सभी फैकल्टी होंगी, हमारे यहाँ के स्टूडेंटों के लिए बाहर ना जाना पड़े पढ़ाई के लिए। विधानसभा में, आपकी विधानसभा में फरीदपुर नेशनल हाईवे पर कई फैक्ट्रियाँ हैं, औद्योगिक धंधे तो लगे हैं लेकिन यहाँ के लोगों को रोज़गार नहीं मिला। देखिए, फैक्ट्रियाँ बहुत लगी हैं इस सरकार में, सब पूंजीवादियों की फैक्ट्री लगी हैं। जो बीजेपी विचारधारा के लोग हैं वो हमारे क्षेत्र के लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं, उनके लिए जितना मिलना चाहिए श्रमिक मजदूरी पूरी नहीं दे पा रहे हैं। आप बताते हैं और सपा के यहाँ के विधायक जयपाल सिंह है और सुमित चांदनी सिंह है, तो यहाँ के अगर विकास की बात करें तो किस तरीके से विकास हुआ है अब तक? देखिए, फरीदपुर में आप सभी आप भी देख रहे हैं कि मैं तो 40 साल से फरीदपुर में देख रहा हूँ, तो 40 साल पहले जितनी थी वो आज वैसी की वैसी स्थिति है। ना ही यहाँ कोई शिक्षा के बारे में कोई किसी तरह से सुधार हुआ, और स्वास्थ्य सेवाएं आप सभी से कोई छुपी नहीं, जैसे 40 साल पहले थी वो आज भी हैं। अभी हमारे बड़े भाई अमित जी ने कहा ओवर ब्रिज के लिए तमाम इतनी दिक्कत होती, हम 2-2 घंटे 2.5-2.5 घंटे जाने के लिए, कई मौतें हो गई, कई हमारे जो छात्र जाते हैं पल्ली तरफ क्रैश करते हैं, तो बड़ी समस्याएं पैदा है। इसको ओवर ब्रिज बनना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ के किसी के, चाहे सांसद हों चाहे विधायक हों, तमाम, मैं वर्तमान की बात नहीं कर रहा हूँ, कई बार लमसम 40 वर्ष से ही मांग चली आ रही, लेकिन हाँ खाली कर दी जाती, कोई इस पर गौर नहीं होता। रोडवेज की देख लीजिए, यहाँ अहम समस्या है, कृषि मंडी है, तमाम समस्याएँ समस्या हैं। हमारे यहाँ का नौजवान छात्र ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट घूम रहा है, कहीं वो दिल्ली में काम करने जा रहा है, गाजियाबाद में, नोएडा में, हरियाणा में, पंजाब में। सरकार तो कह रही है कि तमाम विकास कराएं, यहाँ पर धरातल पे इंडस्ट्री फैक्ट्रियाँ लगाई हैं, रोजगार मिल रहा है। देखिए, फरीदपुर में कितनी इंडस्ट्रियाँ लगी, कितने रोजगार हुए, कोई फैक्ट्री लगी है बताइए, प्राइवेट लगी हो, कोई हो, आपके सामने सब है, पूछ लीजिए किसी से। अगर मैं कह रहा हूँ क्यों जाए हरियाणा लोग, क्यों पंजाब जाए, क्यों हिमाचल जाए, क्यों दिल्ली जाए, कोई रुद्रपुर जा रहा है, कोई गाजियाबाद में, नोएडा में, इसीलिए तो पलायन कर रहे हैं। आप किसी गाँव में चले जाइए, 20% 25% नौजवान बाहर काम करते हुए मिलेगा, तमाम समस्या है। यहाँ पर किसी ने कोई आज तक कोई समस्या का समाधान नहीं किया है। फरीदपुर विधानसभा में लगभग 3,37,000 मतदाता हैं, और इसी में से कुछ मतदाता और भी हैं, बीजेपी के तमाम नेता यहाँ पर हैं, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानेंगे। और मैं रसदीप जी, सबसे पहले ये बताइए, विधायक आपके हैं, 5 साल सत्ता में भी रहे और केंद्र में भी आपकी सरकार है, फरीदपुर को अब तक अछूत रखा गया है, यहाँ पर विकास की बात तमाम लोग कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, कोई इंडस्ट्रीज नहीं लगाए, तो क्या माने? ये बिल्कुल गलत है, निराधार बात है। फरीदपुर में पिछले पूर्व में भी देखिए विधायकों ने कितना कार्य किया, हमारे विधायक जी ने 100 करोड़ का पॉलिटेक्निक कॉलेज बनवाया, एक रोडवेज का निर्माण कराया, जिससे बहुत बड़ी समस्या थी और वो उसका निराकरण हो चुका है, और
रहा सवाल कोरोना काल में दो बार मुफ्त राशन की व्यवस्था कराई गई। किसानों का भी नुकसान होता है और उनको भी दुख होता है और एक्सीडेंट भी होते हैं, तो इनके लिए एक निश्चित व्यवस्था की जाए, इनका कंजर्वेशन किया जाए, इनको एक जगह पे रखा जाए। चार की इतना करोड़ों रुपए आता है वो जाता कहाँ है? इस विधानसभा में एक गौशाला नहीं है, आप ये बताइए। अब मैं खुद, मेरे पास 6 बीघा जमीन है, मुझे किसानों के कितनी परेशानी है मुझे पता है। तो इस बार साफ तौर पर बरेली की 122 विधानसभा क्षेत्र के लोगों का साफ तौर पर नारा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर सरकार को ध्यान देना चाहिए, साथ ही साथ बेरोजगारी की समस्या को दूर करना चाहिए। कैमरा पर्सन के साथ न्यूज वर्ल्ड इंडिया के लिए सोनवंशारी बरेली। सीतापुर के थाना क्षेत्र सदरपुर इलाके में मृतक कोटेदार के घर से जबरन राशन उठान पहुंचे तो दो सप्लाई इंस्पेक्टर को कोटेदार के परिजनों और ग्रामीणों ने कमरे में बंधक बना लिया। घटना की सूचना पर पहुंचे पुलिस ने दोनों सप्लाई इंस्पेक्टरों को बंधक मुक्त कराया। वहीं इंस्पेक्टर पर महिला से अभद्रता करने का आरोप भी लग रहा है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, ऐसे में न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम लगातार जनता के बीच जाकर उनकी राय जानने की कोशिश कर रही है। ऐसे में न्यूज वर्ल्ड इंडिया टीम देहरादून के उस क्षेत्र पहुंची जिसे सैनिकों की देवभूमि कहा जाता है। वहां पर न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम ने विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों की राय जानी। क्या कहा लोगों ने, सुनिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आज मैं मौजूद हूँ उत्तराखंड में। जी हाँ, उत्तराखंड सैनिकों की भूमि। जी, और इसी के साथ मैं आपको आज पूर्व सैनिकों से मुलाकात कराऊंगी कि इस वक्त प्रदेश में और खासकर सैनिकों की भूमि में सैनिकों की क्या दशा है। जी हाँ, मैं आज एक पूरे डाटे के साथ यहाँ पर कवरेज करने आई हूँ, जहाँ पर कहीं ना कहीं उत्तराखंड की पूरी जनसंख्या में से 100% जनसंख्या में से 13% जो वोटर्स हैं वो सैनिक परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, और कहीं ना कहीं 3.34% जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सैनिक ही हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा आंकड़ा जो है मैंने आपको बताया वो कहीं ना कहीं सैनिक परिवार से ही ताल्लुक रखता है, और सैनिक हैं जिनके वोट बेहद कीमती होने जा रहे हैं इस चुनाव को लेकर। तो आज हम सैनिकों से बात करेंगे और ये जानेंगे कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी जो बड़े बड़े दावे कर रही थी, रैलियों में बड़ी बड़ी चुनौतियाँ दे रही थी कि हम सैनिकों को सबसे आगे रखेंगे, सैनिक हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, पर कहीं ना कहीं जो अब दशा हमें देखने को मिल रही है, जैसे जैसे चुनाव आ चुके हैं, 14 फरवरी को चुनाव है, पर अब ये देखने को मिल रहा है कि पूर्व सैनिक को बिल्कुल भी जगह नहीं दी जा रही है। 70 सीटों में से कितने ऐसे पूर्व सैनिक हैं जिनको इस बार दावेदारी की लिस्ट में सबसे आगे रखा गया है, किसको सीट मिली है, कहाँ से टिकट मिली है, ये बेहद दिलचस्प होगा। मैं आपको दिखा दूँ, ये एक खन्ना पान भंडार है, ये एक पूर्व सैनिक ने अपना काम खोला है। तो आज हमारे साथ सर मौजूद हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी इस वक्त सैनिकों की उत्तराखंड जो सैनिक भूमि है उस पर क्या दशा है। सैनिकों का हाल जैसे आम आदमी का होता है वैसे चल रहा है। न सैनिकों किसी को टिकट मिला है, न कोई उनका एरियर मिला है। वन रैंक वन पेंशन की गई थी मोदी सरकार ने, उसमें अभी तक कोई अमल नहीं हुआ है। और हमने क्या बोलना, हम तो साधारण आदमी हो गया। तो कहीं ना कहीं आपने बात की है टिकट की, जो सबसे बड़ा मुद्दा, जो मैंने सबसे पहले ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले बात बताई कि बीजेपी कांग्रेस ने जितने भी रैलियों में बड़े बड़े दावे गए, पूर्व सैनिक को सबसे आगे रखने की बात कही, पर अब जो स्थिति है वहाँ पर साफ देखा जा रहा है कि 70 विधानसभा सीटों में से कितनी ऐसी टिकटें हैं जहाँ पर पूर्व सैनिक का दूर दूर तक जिक्र नहीं है, जहाँ पर वो दावे कर रही थी कि पूर्व सैनिक आएंगे, तो इस पर आप क्या कहेंगे। पूर्व सैनिक के पहले नाम आ रहा था कोठियाल, क्या क्या कर्नल जनरल क्या क्या नाम थे उनके, वो एक भी आदमी नज़र नहीं आ रहा है, ना उनका नाम आ रहा है। ये जो टिकट है उन्होंने अपने ही आदमी के, जो पुराने आदमी थे जो उनके खास आदमी होंगे उन्हीं को टिकट दिया है, बाकी नए आदमी किसी को टिकट नहीं दिया है। नाम पूर्व फौजी बना के दे रहे हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो आप एक पूर्व फौजी हैं और कहीं ना कहीं आपको इस भूमि से बहुत ज़्यादा प्यार है और चुनाव नज़दीक है, तो आपको क्या लगता है किस भूमि के लिए कौन सा सीएम परफेक्ट है जो आपके हिसाब से आना चाहिए, और क्या इस वक्त जो स्थिति मौजूद है कौन सा सीएम सबसे अच्छा काम कर रहा है? नहीं तो काम तो कांग्रेस ने बढ़िया किया था, और कांग्रेस ही आनी चाहिए हमारे हिसाब से। और फौजी कुछ फौजी भाजपा में गए हैं, बाकी सब कांग्रेस में ही हैं, ज़्यादा उम्मीदवार।
और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।